हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोमनाथ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक सनसनी केस खबर देने जा रहा हूँ और ये खबर जो है ये खबर आपको थोड़ा मेंटल रिलीफ एज वेल एज जो एग्जर्शन आप लोगों को चल रहा है अभी उसके भी रिलीफ देगा। तो देखिए, ये आप सभी लोगों को बताए कि युव सेना जो है उसने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट यूजीसी डिसीशन टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। तो इसके चलते मैं एक बात बता देता हूँ कि सभी लोग 6 जुलाई को जो यूजीसी का रिवाइज गाइडलाइंस आया था उसके ऊपर चर्चा कर रहा है, लेकिन एक चीज़ नज़रअंदाज सभी ने किया है वो है कि 18 जुलाई यानी कि कल को यूजीसी ने एक प्रेस रिलीज़ किया था और उसमें पूरा खुला चिट्ठा कितना क्या कैसे करना है क्या करना है ये सब उसने दिया था। और ये प्रेस रिलीज़ मैं आपको आखिर में दिखाने वाला हूँ उसमें क्या है और क्या था, और ये युव सेना उसका पॉइंट एक एक करके निकाल के उसका एक एक जिस्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा चपाटा लगाया है कि क्यों ये एग्जाम कंडक्ट करना खतरनाक है। तो ये आपको जानने के लिए थोड़ा बना रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, उससे पहले कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। लिए मेरा बार बार रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि द बॉडी रोट लेटर्स टू द यूजीसी यानी कि युव सेना का जो है उसने रोट लेटर्स टू द यूजीसी एंड द एचआरडी मिनिस्ट्री रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज़ टू कैंसिल द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। इंस्टेड इट सजेस्टेड प्रमोटिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, ये तो एकदम सही है। देखिए, शिवसेना यूथ आर्म युव सेना ऑन सैटरडे फाइल्ड अ राइट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिसीशन टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ युव सेना चीफ एंड महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ बाई द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटेड टू द राइजिंग कोविड केसेस इन इंडिया विच क्रॉसेस 10 लैक्स दिस वीक एंड द फैक्ट दैट कंट्री वॉज द वर्ल्ड थर्ड वर्स्ट हिट बाई द पैंडेमिक। लेकिन यूजीसी वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है, स्पेसिफिकली जो हमारे जो यूजीसी का करता धरता जो लोग हैं उन लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भैया, स्टूडेंट्स के बारे में सोचो। तो ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि ये इवन इन दिस हाईली वेरीफाइंग टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूजीसी हैज अनाउंस दैट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंडिया बाय यूनिवर्सिटीज इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये फोर्स किया जा रहा है, कीपिंग इन माइंड द अडॉप्शन ऑफ द गाइडलाइंस बट इग्नोरिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंजाइटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ये नहीं देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स लोग का हालत क्या है। हम लोग घर में बैठे हैं, हम लोगों का भी दिमाग खराब हो चुका है, तो ये स्टूडेंट्स लोग एक बार ये एक बार वो एक बार ये कैसे, ये आप लोग पहले दिमाग ठीक कर लीजिए। आप लोग का दिमाग ठिकाने है क्या? तो ये जो यूजीसी वाले हैं इन लोगों को पहले ठीक कर लेना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए था। आप अप्रैल में कुछ बोल रहे हैं, जुलाई में कुछ बोल रहे हैं, अभी सितंबर में जब मंथ में जाके कुछ और नहीं बोलेंगे, इसका क्या गारंटी है? तो जुवेशना से 31 गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय द यूजीसी टू कंडक्ट द एग्जाम्स विल नॉट बी इफेक्टिव गिवन द सिवियरिटी ऑफ द पैंडेमिक। ये जो 31 गाइडलाइंस वाला पॉइंट है जो 18 जुलाई को आया है उसको मैं दिखाऊंगा लास्ट पेज में, तो बने रहिए। द ग्रुप ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक द IITs एंड द जो पुराने वाले जितना सारा एस्टैब्लिश्ड IITs है, जो नया वाला उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, जो पुराना वाला IITs है एंड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान उड़ीसा तमिलनाडु वेस्ट बंगाल पुदुचेरी एंड अदर इज हैड ऑलरेडी कैंसल्ड देयर एग्जामिनेशंस राइट। तो ये इसके चलते ये जो वाला पॉइंट था कि 31 गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय द यूजीसी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, चलिए ये 18 तारीख को जो दिया हुआ है 18 जुलाई को, ये देखिए ये प्रेस रिलीज है 18 जुलाई का,
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, तो इसमें टर्मिनल और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर द यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या कहा गया है ये पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। एग्जामिनेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यानी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे दिया गया है, मेजरिंग द स्टूडेंट्स एट्सेट्रा परफॉर्मेंसेज, एग्जामिनेशन कंट्रीब्यूट द मेरिट लाइफ लॉन्ग क्रेडिबिलिटी वेयर ग्लोबल एक्सेबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अरे भैया जाना है तो जाना है, अगर नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा इसका। हाँ, और ये एग्जाम्पल दिया है कि US, UK, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अरे पहले उसका जो स्टैंडर्ड है वो तो मेट कर लें, स्टूडेंट लोग को उतना इतना तो बनाइए कि हमारे यहाँ पे जो है ना, आप लोग बोल रहे हैं ना US, UK, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अरे भैया हमारे यहाँ पे जो IITs, IIMs और डिफरेंट NITs और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो स्टूडेंट है ना, वही यहाँ से पढ़ के वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके उन लोगों का स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो आप लोगों को ये दिमाग में नहीं आता क्या? तो फिर इसके बाद जो आया है, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू देयर एकेडमिक एंड करियर एग्रेशन, सॉरी करियर प्रोग्रेशन ग्लोबली, UGC इशूड गाइडलाइंस। ये वही पुराना वाला कितन इन लोगों ने चालू करके रखा है 29 अप्रैल। फिर उसके बाद ये देखिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में कंडक्टेड इन द July 1 to 15, उसके बाद चला गया, ये तो पास्ट हो गया। इन व्यू ऑफ इमर्जिंग COVID-19 पैंडमिक सिचुएशन इट वॉज डिफिकल्ट टू कंडक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में अगर कंडक्ट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज वे रिक्वेस्टेड टू चार्ट आउट अ प्लान फॉर कंप्लीशन ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ September 2020 ऑनलाइन पेन पेपर, ये जो कहा था उसका गाइडलाइंस रिलेटेड टू COVID-19 पैंडेमिक। द गाइडलाइंस ऑल्सो मैंशन इन केस ऑफ स्टूडेंट अबला अबला अबला, इसका मतलब है जो नहीं दे पाएगा उसको फिर से दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अब अभी बोल रहे हैं अगस्त से सिचुएशन और अगर वर्स्ट हो, फिर सितंबर में आके जाके एकदम पीक में चला जाए तो फिर क्या आप लोग जनवरी में बोलेंगे एग्जाम होगा, जनवरी में भी और भी वर्स्ट हो तो क्या आप जून बोल रहे थे ना कि दो साल का जो पहले बताया था कि एग्जाम होगा कि एक साथ होगा कैसे होगा, तो फिर क्या 2 साल बाद आप लोग जाके एग्जाम लेंगे? तो ये तो एब्सर्ट हो गया। तो खुद डिसाइड कीजिए ना पहले, क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये सभी को फॉलो करना है, ऐसा कंपल्शन क्यों दे रहे हैं आप स्टूडेंट लोगों को और यूनिवर्सिटी लोगों को? जो रिसेंटली यूनिवर्सिटीज वेयर अप्रोच टू इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आउट ऑफ, ये अवलाबले ये जो रिपोर्ट दिया हुआ है, ये रिपोर्ट कहीं जो दिया हुआ है इसका क्या बेसिस है और इसका क्या मीन्स कैसे कैसे ये रिपोर्ट जनरेट हुए हैं, इसका कोई UGC खुलासा नहीं कर रहा है। एकदम से उसको क्या करके हैं, दबा के रखे हुए हैं। तो ये जो डिटेल्स वाला दिया हुआ है, तो ये डिटेल्स का कोई यानी कि आप जब तक इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर पूरा पब्लिक के सामने ना लाएं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ये रिपोर्ट कोई भी बना सकता है, कोई भी दे सकता है, कैसे कोई यूनिवर्सिटी कैसे किया जाए ये हर एक जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जानने का हक है। और एक बात मैं बता देता हूँ, अपने जो वेस्ट बंगाल के जारे सारे स्टूडेंट्स हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स लोगों के साथ है और जो स्टेप उन लोगों ने लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एडवाइजरी में, ये जो 80-20 रेशियो का, ये एकदम सही लगता है और ये एकदम सही है। और इसके चलते जो आपको रिजल्ट मिलेगा शायद नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई COVID-19 पास आउट ऐसा कुछ लिखा रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो 2-4 केसेस ऐसे दिखा गया था कि COVID-19 ऐसे लिखा जो हुआ था, उसमें उन लोगों ने भी कहा है कि ये एरर है, इसको रेक्टिफाई करके नया सर्टिफिकेट उन लोग इशू करेंगे। तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिंदास रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो रिज़ल्ट आ जाएगा जल्दी ही और आप लोग पास हो जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो बैकलॉग और इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आज बहुत रात हो चुका है, कल वीडियो बना के आप लोगों के सामने डाल दूंगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब बेस जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए यहाँ पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।